बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं रेशा शामी कबाब की। तो जिसके लिए मैंने ये ले लिया है आधा किलो बीफ की बोटियाँ हैं जो कि इस तरह से है, और आधा कप चने की दाल है जो कि मैंने एक घंटा पहले भिगो के रखी हुई है, और ये कुछ मसाले हैं जिसमें कि ये मीडियम साइज की एक प्याज है जिसे मैंने ऐसे ही मोटा मोटा काट लिया है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकर में डाल देते हैं बोटियाँ, और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज, चने की दाल। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक कद्दूकस करी हुई 1 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च। नमक मिर्च तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, और नमक भी हम डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमें इतना डालना है कि जितने में गोश्त गल जाए और दाल गल जाए। तो चलिए अब हम ढक्कन लगा देते हैं और इसे गोश्त गलने तक का इंतजार करते हैं। हाँ तो व्यूअर्स, चलिए देखते हैं कि चने की दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। तो इसे मैंने पहले तो फुल फ्लेम पे 1 सीटी इसमें आने दी थी, फिर लो पे मैंने इसे आधा घंटा गलाया है, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है। तो आप मटन में भी बना सकते हैं इसे, और चिकन में भी बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए ये गल तो चुका है, इसका पानी भी बिल्कुल ही ड्राई हो गया है, ये अच्छी तरह से गल गया है। तो इस कबाब को हमें पीसना नहीं है, ना ही इसे सिल पे हम पीसेंगे और ना ही मिक्सी में। तो इसे हमें घुटाई इसकी करनी है अच्छी तरह से। तो हम लकड़ी की एक घोटनी कहे या मथानी कहे वो ले लेंगे, और इससे हम अच्छी तरह से इसे मैश कर लेंगे। देखिए ये बहुत ही आसानी से इजली ये मैश हो रहा है, और इसकी बोटियाँ बिल्कुल रेशे रेशे अलग हो रहे हैं। तो हम इसे इस तरह से कर लेते हैं। हाँ तो देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से मथानी से बिल्कुल मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ ग्रीन मसाले जो कि इस तरह से हैं। ये हरी मिर्च है, तो ये हम 3 से 4 हरी मिर्चें हैं कटी हुई, तो हम ये डाल देते हैं इसमें। और ये है हरा धनिया 1 मुट्ठी। ये है गरम मसाला 1 टीस्पून, जीरा पाउडर है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। मीडियम साइज की एक प्याज है जो कि ऑमलेट कट कटी हुई है। तो अब इसमें सारे मसाले चले गए। अब हमें इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है, और इसमें हम आप अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अंडा नहीं डाल रही हूँ। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। तो बस देखिए इसमें हम 1/2 टीस्पून घिसी हुई अदरक डाल देते हैं, और अदरक मैंने अंदर भी डाली थी, तो ये ऊपर से डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो इसे भी हम डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हाँ तो व्यूअर्स देखिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, और इधर टिक्कियाँ मैंने बना के कबाब की रेडी कर ली हैं। तो देखिए ये इस तरह से बहुत अच्छे से टिक्कियाँ बन गई हैं। तो आप इस तरह से टिक्कियाँ बना करके और इसे थोड़ी देर तक के फ्रीज़र में रखें, और उसके बाद जब ये थोड़ी टाइट हो जाए तो आप किसी पॉलीथीन में इसको या किसी भी कंटेनर में जो कि एयर टाइट हो उसमें करके आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं। तो 1 हफ्ते तक आप इसे ऐसे करके रख के भी खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं पैन में ऑयल, और ये ऑयल मेरे पास सरसों का ऑयल है, तो ये मैंने पहले से पका के रखा हुआ है। अगर आपके पास आपको रिफाइन से बनाना है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो अब हम इसे मीडियम लो पे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये कबाब जो है बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इधर जिस किसी ने भी प्लीज मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो 1 टाइम प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, तो आप देखिए आप बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, और ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन से हो गए थे तो मैंने इसको फ्लिप कर दिया है। तो चलिए अब हम इंतज़ार करते हैं दूसरी तरफ से भी ये हो जाए, तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे।
हाँ तो आप देख सकते हैं कि मज़ेदार से रेशा शामी कबाब बनके रेडी हो गए हैं। तो ये शामी कबाब तो है, लेकिन इसको खाने में इसके जो बोटियाँ हैं उसके रेशे आएंगे मुँह में। और कबाब बनाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बोटियाँ हम क्वान्टिटी में ज़्यादा लेंगे और दाल को हम कम लेंगे। तो मैंने इसमें आधा किलो बोटियाँ ली हैं और इसमें 100 ग्राम चने की दाल मैंने डाली है। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। दुआ मुझे याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।